ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्लास? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्लास मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्लास मेरी बात सुन दे रही है। ओके, बट अभी तक जस्ट आप लोग 9 स्टूडेंट्स हैं वो क्लास के लिए आए हैं, जॉइन करने लॉग इन हुए हैं। बाकी क्लास की तरह क्लास बाकी स्टूडेंट्स अभी तक क्यों नहीं आए जॉइन करने? आवाज आ रही है? मैं ये कह रही हूँ कि अभी तक आप लोग जस्ट जो है 9 स्टूडेंट्स आप लोगों के शो रहे हैं, तो बाकी क्लास की तरह 10 मिनट गुजर चुके हैं। उन्हें कहीं क्या मतलब ग्रुप में मैसेज कर दें या जैसे भी है मैसेज कन्वे करें कि क्लास अटेंड करें। ओके क्लास, जब तक बाकी स्टूडेंट्स नहीं होते लोगे तो तब तक जो है जो समरा नहीं वर्धा प्रेजेंट है, तो उससे रिलेटेड जो है उसके ग्रुप से रिलेटेड मैं डिस्कशन कर लेती हूँ। ठीक है वर्धा, आपने जो मुझे सेंड आवाज आ रही है ना वर्षा, जो आपने मुझे इंट्रोडक्शन सेंड किया था, आप प्लीज करें देखा, मुझे इतना अच्छा लगा ना कि जैसे मैंने आपको बताया था गाइड किया था आपने सेम, मतलब कोई एक वर्ड जिसे मैंने बोल रही हूँ और आपने उसे स्किप किया हो। ठीक है, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपने माशाल्लाह इतना अच्छा, जैसे मैं बता रही थी गाइड कर रही थी आपने सेम उसे कॉपी किया और लिख लिया, तो आपका इंट्रोडक्शन अब डन हो गया, बहुत अच्छा हो गया। सेम उसी को फॉलो करते हुए आवाज जो है लिटरेचर रिव्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि बाकी जो है वो भी ऐसे फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे पहले सबसे पहले जो सेंड किया सिद्रा वगैरह ने पता नहीं किया। ठीक है, तो ये लगता कि ग्रुप का हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखा हुआ है वैसे आप लोगों का, मैंने आज और शुरू नहीं देखा। ठीक है, मैं तब बताने लगी थी आपको मैसेज में, बट मैंने कहा कि मैं आपको क्लास में ही बताऊंगी कि आपने मतलब बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सेम उसी फॉलो करते हुए आपने जो है ना
गया। मैम आपको आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आज आ रही है? मैं नवजी बोल रही हूँ। काफी आवाज पता नहीं क्यों आपको दिखाई दे रही है। अभी आवाज सही सुनाई दे रही है? अभी भी हो गया है? हेलो, लास्ट ये आवाज सही सुनाई दे रही है? हेलो, हेलो, दोबारा से रिकनेक्ट करती हूँ। ठीक है, मुझे आप दोबारा बताइएगा। सही सुनाई दे रही है या अभी भी वैसे स्लो सी आ रही है आवाज? हेलो, हेलो क्लास, अभी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, ओके, ओके क्लास, अभी मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? तो मैं वर्धा के ग्रुप से बात कर रही थी। ठीक है, सिद्रा वगैरह से मैं इनसे ये कह रही थी कि जो आप लोगों ने मुझे इंट्रोडक्शन सेंड किया है, ठीक है, जैसे मैं चाह रही थी सेम आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, और मतलब अगर आप लोग ऐसे ही लिखते हो तो मुझे तो ऐसे देख के खुशी हो रही है जैसे आप लोगों की पहले से प्रैक्टिस है। ठीक है, इतना अच्छा आप लोगों ने लिखा हुआ है और अब सेम इसी को फॉलो करते हुए जिस तरह इंट्रोडक्शन लिखा है सेम ऐसे ही फॉलो करते हुए रीफ्रेस करके जो है आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू लिखना है। लिटरेचर रिव्यू एक मेजर चैप्टर होता है हमारा। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू लिख लें और उसके साथ ही आप लोग जो है मेथडोलॉजी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेथडोलॉजी में आप लोगों ने, मैं आप लोगों को बता दूं आपने मेथडोलॉजी को किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके ग्रुप के कुछ पर्सन मेंबर्स जो हैं वो लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं तो एक बंदा जो है वो मेथडोलॉजी का काम ले ले। मेथडोलॉजी में सेम आपने जस्ट वो मेरा जो है आपने पीपीटी को ओपन करना है, उसमें देखना है कि जो डिफरेंट स्टेप्स लिखे हुए हैं ना मेथडोलॉजी के, सेम आपने उसे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, जस्ट मेथडोलॉजी भी मैं कॉपी पेस्ट करने का कह रही हूँ। सिमरा, आपके ग्रुप का मैं अभी आज मैंने जस्ट एक ग्रुप का ही देखा है। आपने मुझे फ्राइडे को सेंड किया था? सिमरा, आपने मुझे इंट्रोडक्शन कब सेंड किया था?
मैं अभी साथ में देखती हूँ आपका भी। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जिनका इंट्रोडक्शन फाइनल हो गया है वो साथ में अपना लिटरेचर रिव्यू करें। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू ये आप लोगों की मर्जी भी होगा, लिटरेचर रिव्यू पहले करना है या मेथडोलॉजी करनी है। ठीक है, बट अभी आप जैसे सीक्वेंस में जा रहे हैं तो लिटरेचर रिव्यू ही आई थिंक मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू करें। लिटरेचर रिव्यू में सिमरा आप लोगों ने मुझे अगर अपना इंट्रोडक्शन सेंड कर दिया तो आप ही सुने, आप अपना लिटरेचर रिव्यू लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन है उसमें साथ साथ करेक्शन तो होती रहेंगी। सही है, एक ही टाइम में फाइनल नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कह रही हूँ कि वर्धा के ग्रुप ने बहुत अच्छा लिख लिया है, हो सकता है कि एंड पर मुझे कोई बात अंदर ऐड करनी पड़े। सही है, मतलब वो एक बार लिख लिया तो समझे हमारा एक चैप्टर हो गया है। सही है, बाकी साथ में जो कुछ मजीद एक दो लाइन्स एड्स या जिसे कहते हैं ना निकाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अब आपने मुझे सेंड कर दिया तो मतलब वो फाइनल हो गया। कुछ मैं ऐड करने के लिए कहूँगी तो आपने अगर फॉर एग्जाम्पल सेकेंड चैप्टर स्टार्ट भी किया हुआ तो आप उसमें एक दिन लगा के बस ऐड कर दीजिएगा। सही है, तो आप लिटरेचर रिव्यू लिखना स्टार्ट करें। लिटरेचर रिव्यू पर मैंने जस्ट आपको ये बताना है कि आपने किस तरह लिखना है। कि इंट्रोडक्शन में तो हमने ये बताया कि जैसे पैथोजेनेसिस वगैरह को भी डिस्कस कर दिया, उसकी टाइप्स को भी डिस्कस कर दिया, ये इंट्रोडक्शन था। बट लिटरेचर रिव्यू में हमने ये नहीं बताना कि ये पैथोजेनेसिस ये है कि इसकी इतनी टाइप्स हैं। ठीक है, ये डिजीज़ कॉज करता है। लिटरेचर रिव्यू में हमने ये बताना है कि आज तक इस टॉपिक पर कितनी रिसर्च हो चुकी है, कि ये कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, या जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया वह बाकी उसकी उसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बता रही हूँ कि डायलिसिस पेशेंट को ही डिस्कस करके कर रही हूँ कि इस ऑथर ने, इस साइंटिस्ट ने जब स्टडी की तो उसने देखा कि बाकी जो डायलिसिस के पेशेंट थे वो ज़्यादा वल्नरेबल थे एज़ कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन। ठीक है, तो आपने ऐसे बार बार कहना है कि उसने, इस साइंटिस्ट ने भी ये बात की और उसने ये अपने उसके एनालिसिस दिए थे, आउटकम्स दिए थे। ठीक है, नीचे उसका रेफरेंस दे दें, फिर एक और स्टडी का रेफरेंस दें कि उन्होंने इस हॉस्पिटल में स्टडी की और उन्होंने देखा कि वाकई ही जो डायलिसिस के पेशेंट थे वो ज़्यादा रिस्क पर थे। ये बात मतलब कि बार बार आपकी रिपीट होगी, बात सेम रिपीट होगी। हमने डिफरेंस क्या देखना है कि उसका एरिया डिफरेंट होगा। एरिया मीन कि किसी ने किस हॉस्पिटल में की होगी, किसी ने पाकिस्तान में की होगी, किसी ने किसी और कंट्री की रिसर्च होगी। ठीक है, कि हमने ये बताना है कि जो हमारा टॉपिक है उस पर इतने लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। जैसे हम लेके चल रहे हैं ना, डिफरेंट फैक्टर्स को हम लेकर चल रहे हैं कि इन फैक्टर्स का जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी की अक्रंस का, ठीक है, हेपेटाइटिस बी और सी अक्रंस जो है वो डायलिसिस पेशेंट में ज़्यादा है और ये फैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो डिफरेंट ऑथर्स ने ये बातें कही होंगी, प्रूव किया होगा, उन्होंने स्टडी की होगी, नीचे अपने रिजल्ट्स बताए होंगे। इवन के कुछ में ऐसा होता है कि एक एक फैक्टर को डिस्कस किया होता है। डिस्कस किस तरह कि एक फैक्टर लेकर चलते हैं, कोई एक फैक्टर जैसे अब डायलिसिस का ही आप कल लेकर चले, हेपेटाइटिस बी और सी पे, तो उन्होंने ये लिखा होगा कि जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो किस तरह अंदर पार्टिसिपेट, फॉर एग्जांपल 100% में से जो ऐसे वो रेशियो लिखी होती है, परसेंटेज दी होगी डिफरेंट आउटकम्स की ना, तो उन्होंने वन बाई वन फैक्टर्स को डिस्कस किया होगा। आपने ऐसे पेपर सर्च करने हैं, ठीक है, और वो वाले पैराग्राफ्स अंदर ऐड कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको दो तीन टॉपिक, सेम नहीं भी होगा, जस्ट आपको एक पैराग्राफ ही अपने टॉपिक से। अच्छा, जो हमने ईमेल की है वो तो हमने टोटल हर वे भी सेम देखा है ना, कि उसकी मेथडोलॉजी भी हमारी मेथडोलॉजी के सेम हो। बट जब लिटरेचर रिव्यू लिखना है आपने, तब आपका ऐसा कोई भी जिसे कहते हैं ना कंडीशन नहीं होगी कि उसकी मेथडोलॉजी भी, उसका जो उसके फैक्टर्स हैं, हमारा टॉपिक सेम होना चाहिए। नहीं, इसमें जस्ट ये है कि अगर उसने फैक्टर्स को डिस्कस किया हुआ है, उसका टॉपिक कोई और भी है, थोड़ा मिलता जुलता है, बट उसने अगर इन फैक्टर्स को डिस्कस किया हुआ है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप उसके आउटकम्स लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पेपर स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कहा था, वो इसलिए मैंने कहा था कि मोस्ट रेलिवेंट होगा, तो उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपकी स्टडी से मोस्ट रेलिवेंट होंगे। ठीक है, इसलिए वो मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होना चाहिए। बट लिटरेचर रिव्यू लिखते वक्त आपको कोई एक पैराग्राफ भी अपने टॉपिक से रेलिवेंट मिलता है तो आप उसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो आप एक पेपर से दो पैराग्राफ भी लिख सकती हैं।
ठीक है, कि एक में उसने हो सकता है कि जस्ट फैक्टर्स को डिस्कस किया हो और एक फैक्टर में कुछ और डिस्कस किया हो ना, तो आपने ऐसे ही एक पेपर से दो पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। तो दो पैराग्राफ लिख लिया तो समझिए आपका हाफ, मतलब हाफ से ज़्यादा पेज लिखा जाएगा दो पैराग्राफ, सही है ना। तो ऐसे मैक्सिमम आपको तीन चार पेपर्स चाहिए होंगे अपने रिव्यू लिखने के लिए। अब सिमरा आपका ग्रुप और ये जो है सिद्रा, क्या है सिद्रा वगैरह, आपको समझ आ गई है ना वर्दा वगैरह नुसरत, ठीक है ना, कि लिटरेचर रिव्यू में क्या ऐड करना है। तो आज से आप जो है लिटरेचर रिव्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। सिमरा मैं आपका जो है अभी मैं बस थोड़ा, जैसे ये लेक्चर एंड होगा ना तो मैं आपको मतलब 2:30 तक आपको आपका टॉपिक बता दूंगी इंट्रोडक्शन का, ठीक है। अगर वो गुड ठीक हुआ तो मैं आपको फौरन बता दूंगी, अगर उसके अंदर एक दो लाइंस मजीद ऐड करनी हुई तो कल भी मेरा लेक्चर है आप लोगों के साथ, तो उसमें जो ऐड करना हो मैं कल फिर बताऊंगी आपको, मैं पढ़ भी लूंगी, ठीक है। क्लास अब आप लोगों का हो गया और सबा ताहिर आपका भी इंट्रोडक्शन फाइनल था, ठीक है। सबा ताहिर आप प्रेजेंट हो, ठीक है, तो आपने आगे नहीं लिखना स्टार्ट किया अभी, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन मैंने देख लिया था तो उसे आगे लेके चले आप। इंट्रोडक्शन के साथ अब लिटरेचर रिव्यू का मैंने मेथड आपको बता दिया कैसे लिखना है आपने, तो सब ये तीन चार जो ग्रुप्स हैं ना जिनका इंट्रोडक्शन मुझे सेंड आप लोगों ने किया हुआ है। ओके सिमरा गुड हो गया, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि जो तीन चार ग्रुप्स हैं जिनका इंट्रोडक्शन मुझे आप लोगों ने सेंड किया हुआ है तो वो अब जो है अपना लिटरेचर रिव्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ठीक है सिमरा, एक चीज़ पहले स्टार्ट कर ले, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट कर दें, वो लेंथी है, ठीक है। तो वो मतलब आपको फॉर एग्जांपल अगला वीक पूरा लगता भी है तो कोई इशू नहीं है, सही है। तो इस नेक्स्ट वीक में आप लिटरेचर रिव्यू लिख लें, ये तीन जो चार ग्रुप्स हैं ना ये अपना लिख लें, और बाकी आज जो है मतलब आप तीन चार जो लोग हैं, ठीक है, ये अपना लिटरेचर रिव्यू लिखें, और उसके बाद जो है बाकी ग्रुप्स जिनका भी जो है टॉपिक फाइनल हुआ था उन्होंने मुझे अभी पेपर नहीं सेंड किए तो एटलीस्ट मुझे पेपर सेंड कर दें, मैं पेपर तो देखूं, फिर आप लोग पेपर मुझे सेंड करें, तो उसके बाद जो है आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन लिखना भी अभी स्टार्ट किया, ठीक है सबा। नहीं रिलैक्स होकर आपने अभी मुझे इंट्रोडक्शन सेंड किया है, आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू में यह है कि आपने पूरे तीन पेजेस जैसे मैंने आपसे कहा है तो तीन के तीन लिख के सेंड करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल लिटरेचर रिव्यू में बाकी सब भी सुन लें, लिटरेचर रिव्यू में अगर आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों को अभी पता नहीं है ना कि लिटरेचर रिव्यू लिखना कैसा है, तो आप लोग जस्ट एक एक पेज लिख कर मुझे सेंड कर दें ताकि मैं आपको जस्ट गाइड कर सकूँ कि हाँ इसी वे में लिखना है, तो उसे आप जो है तीन में कम्प्लीट कर लीजिएगा, सही है। 2.5 कर लें जो भी है मैक्सिमम जितने आपसे लिखा जाता है, सही है। इसलिए पहले मुझे ये आप जस्ट वन पेज लिख कर ही सेंड करें लिटरेचर रिव्यू का सब। वर्दा आप लोग भी ठीक है, सबा आप भी मुझे जस्ट एक पेज, सिमरा आप लोग इंट्रोडक्शन का वो लिटरेचर रिव्यू का वन पेज ही लिख कर सेंड करेंगे, ठीक है। क्लास क्लियर हो गया, ओके क्लास। इनके अलावा जो बाकी ग्रुप्स हैं ठीक है वो क्या कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अभी तक अब उनका टॉपिक तो मैंने आप सबके फाइनल कर दिए हैं, ठीक है, बट उन्होंने मुझे अभी तक पेपर नहीं सेंड किए। आप सब ग्रुप में जो है चार तो पर्सन हैं, मेंबर्स हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल एक बिजी भी होता है तो दूसरा बंदा काम कर ले, पेपर तो सर्च करे, क्योंकि ये देखिए बाकी ग्रुप्स ने कब से ईमेल की हुई है अभी तक उन्हें नहीं रिप्लाई मिला, तो आपको सोचें आप अगर आज या कल ईमेल करती हैं तो आपको कब रिप्लाई मिलेगा उधर का, ठीक
ओके क्लास, आप लोगों ने कुछ और पूछना है तो पूछ लें, नहीं तो मैं ये है कि 5 या 6 मिनट्स में जो है सिमरा का इंट्रोडक्शन पढ़ के उसे बताने लगी हूँ। आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप लोग भी पूछिए, मैसेज करें। Which overall, which is controlled, we have the 6 engines. So, like it is generally built, it stands for G, Next, to the marker, I have the group. ओके नुसरत, मैं आपको लिटरेचर रिव्यू दोबारा, अच्छा नुसरत ने पूछा है कि लिटरेचर रिव्यू दोबारा बता दूँ, तो लिटरेचर रिव्यू में आप देखें, एक बार जस्ट इसकी हेडिंग देखें, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के आज तक जितनी भी सर्च हो चुकी है आपके टॉपिक से रिलेटेड, रिव्यू मीन कि आप उसका एक रिव्यू दे रही हैं, ठीक है। उसमें आपने लिखना है कि 1995 में, 95 वाला पेपर नहीं ले, ठीक है, आप 2000 से अबव वाला, 2000 के बाद के ही पेपर आप लोगों को मोस्टली सर्च में मिलेंगे, ठीक है। तो आपने ये कहना है कि जो है 2005 में इस ऑथर ने हमारे, मतलब जो आपका टॉपिक है उस पर ये स्टडी की थी, ठीक है, उसने उसने इन फैक्टर्स को डिस्कस किया था, उसमें लिखा, ये नहीं मैंने कहना, तो आपने डिफरेंट फैक्टर्स जो आए हैं आपने उसको कहना है कि इन फैक्टर्स पर, ठीक है, उसने बताया कि ये फैक्टर्स जो हैं वाकई ही इस डिजीज में इन्वॉल्व थे, ठीक है, और इनका इम्पैक्ट था, रोल है इस डिजीज की अक्रंस में। उसने कुछ ऑथर्स ने जो होता है वन बाय वन जो है फैक्टर्स को डिस्कस किया होता है, ठीक है, कि इस फैक्टर जो है, ये वाला फैक्टर जो है, ये कितने परसेंट जो है डिजीज की अक्रंस में रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, सेकेंड कम होता है, कुछ ने इस तरह से कंपेरिजन किया होता है, कुछ ने जस्ट वैसे ही ओवरऑल फैक्टर्स को डिस्कस करके कहा होता है कि वाकई ही इसका जो है वो डिजीज की अक्रंस में मेजर रोल है, ठीक है। ये दो तरह के उन्होंने स्टडीज की होती है, एक में उसने होता है कि कंपेरिजन किया होता है कि ये फैक्टर जो है 60% जो है वो डिजीज की अक्रंस में रोल प्ले कर रहा है, ये सेकेंड फैक्टर इस तरह वो लेके चल रहा होता है ना। जैसे कि अब मैं आपको एग्जाम्पल दूँ हाइपरटेंशन की, फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन को हमने पेपर्स हाइपरटेंशन से रिलेटेड सर्च किए हैं। अब उसमें क्या होगा कि उसने हाइपरटेंशन को लीड करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो वन बाय वन डिस्कस किए होंगे। एक उसमें उसने कहा होगा कि एज मैटर करती है, ठीक है, एज में पहले उसने कंपेरिजन किया होगा कि हाइपरटेंशन जो है वो मेल और फीमेल में, ठीक है, जेंडर का कोई इफेक्ट है या नहीं है, ठीक है, उसने इस तरह वन बाय वन डिस्कस किया होगा कि जेंडर, फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन कहीं ऐसी तो नहीं है कि जेंडर भी उसमें उसका कुछ रोल है कि मेल्स में ज्यादा है या फीमेल्स में ज्यादा है हाइपरटेंशन की अकरेंस,
फॉर एग्जाम्पल अगर है या नहीं है, उसने इस तरह से रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट बताए होंगे। स्मोकिंग का इफेक्ट बताया होगा, ठीक है, इसके अलावा सॉल्ट इनटेक का बताया होगा कि जिनकी जो है वो डाइट में सॉल्ट ज़्यादा है, ठीक है, डाइट का इफेक्ट कितना है, न्यूट्रिशनस इफेक्ट लिखे होंगे, ठीक है। ये इस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स को उन्होंने डिस्कस किया होता है और ये बाद में एंड पे आता है कि हाँ जी इस ऑथर ने हमारे टॉपिक से रिलेटेड बात की थी, उसके आउटकम्स ये आए हुए थे। आपने ये लिखना नहीं है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये लिखना है कि क्या है, मिशाल ने मिशाल एट ऑल, ठीक है ना, वर्क ऑन हाइपरटेंशन, ठीक है ना, एंड रिपोर्टेड डिफरेंट लीडिंग फैक्टर्स, ठीक है, एंड मतलब उनके रिजल्ट्स डिस्कस किए होंगे ना, वो आपने लिखना है। मतलब आपने अपने टॉपिक को वर्थ देनी है, प्रूव करना है कि मेरे अलावा भी बहुत से लोगों ने इस पे काम किया होगा और उनके आउटकम्स ये आए थे, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल एकदम मैं ये इनके ग्रुप की वर्धा वगैरह के ग्रुप की एग्जांपल दे रही हूँ कि क्या होगा कि जैसे हमने लिखना है कि इस ऑथर ने काम किया है हेपेटाइटिस बी और सी पर और उसमें बताया कि इसकी अक्रेंस जो है वो बाकी पब्लिक में तो ज़्यादा है बट डायलिसिस पेशेंट्स में उससे ज़्यादा रिपोर्टेड है, इसलिए एंड पे क्या होगा, उसने डिफरेंट आउटकम्स भी बताए होंगे कि इसलिए हमें जो है डायलिसिस पेशेंट्स पर मज़ीद जो है वो क्या करने की, ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, इस पर स्टडी करने की मज़ीद ज़रूरत है। मतलब आपने वर्थ किस तरह देनी है, एंड पर ये कहना है कि इस पर मज़ीद सर्च करने की या इस पर मज़ीद मॉनिटरिंग की नीड है, ठीक है, ये गैप है हमारा कि इस पर मज़ीद मॉनिटरिंग करेंगे, मज़ीद इस पर सर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनमें क्यों इसके मतलब अक्रंस ज़्यादा है, ठीक है। ये इस तरह आपके टॉपिक को वर्थ मिल जाएगी, एंड पर ये लाइन ऐड करते हैं, जिस ऑथर ने लिखा हुआ वो तो गुड होगा, अदरवाइज आप खुद लिखते हैं, ठीक है। ये बात के इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि मतलब इन पेशेंट्स पर जो है मज़ीद फोकस करने की, इनकी मॉनिटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके सिमरा, मुझे याद आया मैंने आपका भी ये इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था, ठीक है, लास्ट वाले एक दो पैराग्राफ आई थिंक रह गए थे, मैंने देख लिया था, ठीक है। ठीक है, मैंने देखा आपने जो मेथड चूज किया हुआ है वो ठीक है, मतलब आपने जो रेफरेंस स्टाइल चूज किया जैसे लिखा, ठीक है, ओके, ठीक है ना, बात सही है, आप मुझे समझ आ गया, आप मैंने देख लिया आपने ठीक लिखा हुआ है, सही है। अब इसके अंदर कुछ ऐड करना है या नहीं करना वो मैं आपको बता दूंगी कल, ठीक है। बाकी आपका इंट्रोडक्शन ठीक है, आप जो है लिटरेचर रिव्यू लिखना स्टार्ट करें। और क्लास ये बात मैं बता रही हूँ कि आप सब अपने रेफरेंस जो है एंड पर लिखा हुआ है, पैराग्राफ के एंड पर आप लोग स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो आप जब मेरी स्लाइड्स ओपन करेंगे तो उसमें स्टार्ट पे लिखने का भी पता, मतलब किस तरह हम स्टार्ट में लिख सकते हैं वो भी आई थिंक लिखा हुआ है, ठीक है। जो हमारा रेफरेंस होता है वो ज़रूरी नहीं एंड पर ही हो, ठीक है, पैराग्राफ के एंड पर आप पैराग्राफ या लाइन के स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एट ऑल उधर ही लिखते हैं जिसमें मोर देन टू ऑथर्स इंक्लूड हो, ठीक है, उस रिसर्च में। तो ये एट ऑल जिसमें आप लोगों ने यूज किया हुआ है वो सब मोर देन टू ऑथर्स थे उस रिसर्च पेपर में इंक्लूडेड, पार्टिसिपेट उनमें से दो लोग मोर देन टू ऑथर्स थे। अच्छा क्लास, मुझे ये बात बताना भूल गई कि आप लोगों ने जो भी इसमें मतलब रेफरेंस ऐड किए हुए हैं ना, तो हमारा सबसे एंड वाला जो पार्ट होगा वो रेफरेंसेस का होगा, उसमें आपने पूरा रेफरेंस लिखना है। इसमें तो जस्ट आपने ये लिख दिया था ना कि एंड पे ऑथर का नाम और एट ऑल करके आगे ईयर लिखा हुआ है। क्लास मेरी आवाज़ आ रही है ना, तो
तो ये साथ साथ करें, जो आपने जितने भी पैरा रेफरेंस ऐड किए हैं ना इंट्रोडक्शन में, उन सब को पूरा पूरा रेफरेंस जो है वो अपने कोई एक फाइल बनाएं, ठीक है, जिसमें जस्ट रेफरेंस का नेम अभी लिख दें, ठीक है, उसमें साथ साथ ऐड करते जाएं ताकि कोई मिस नहीं हो रेफरेंस। कैसे अब आप लोग समझेंगे कि मेरा जो है पीपीटी में जो लास्ट वाली होगी ना उसमें रेफरेंस आई थिंक मैंने लिखे थे कि नहीं लिखे थे, मुझे याद नहीं है, ठीक है। रेफरेंस आप लोगों ने पूरे रेफरेंस लिखने हैं, एट ऑल करके नहीं लिखते। उसमें क्या होता है कि पूरा उन सब ऑथर्स के नेम होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने एट ऑल यूज किया है, नहीं आपने वो चार या पांच ऑथर्स के नेम ऐसे सीक्वेंस में आ रहे होते हैं, आगे उनका टॉपिक लिखा होता है कि इन्होंने किस टॉपिक पे स्टडी की हुई है, मतलब कि उस रिसर्च पेपर का नेम होता है जहाँ से आपने उसको कॉपी किया है, वो साथ साथ ऐड करें, ठीक है। एक फाइल अपनी बना लें रेफरेंसेस के नेम से, तो उसमें पूरी लाइन ऐड करें। जैसे सिमरा आपके इस टाइम कितने इसमें रेफरेंस ऐड है, मैं आपको बता रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मोर देन 10 है ना, बल्कि 12-15 है आपके, तो आपने 10 रेफरेंस हैं, तो आपने इन पूरे 10 रेफरेंस को अल्फाबेटिकली ऐड करें। ए है तो ए वाले सारे ऊपर आएंगे, समझ आ रही है ये रेफरेंस को लिखने के बाद। जैसे ये एक रेफरेंस है एग्रा एग्रावॉल एट ऑल, तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने एग्रावॉल उसके आगे जितने भी नेम्स हैं वो स्टार्ट में लिखना है, ये पहला रेफरेंस होगा हमारा। रेफरेंस वाला साथ साथ करें, क्लास सुन रहे हैं आप लोग? सिमरा आप लोग को नुसरत वगैरह समझ आ गई है ना? नेहा रेफरेंस आप लोग साथ साथ लिखें अलग फाइल में। आपने एक ऑथर जो है एक पेपर एक से मतलब मोर देन वन पैराग्राफ में यूज किया है, तो एंड पर जो है आपको एक ही बार लिखने की जरूरत है। सिमरा मैं यही कह रही हूँ कि आपने जितने भी अपने इंट्रोडक्शन में रेफरेंस यूज किए हैं ना, ठीक है, उन सब को आपने क्या करना है, एक एंड वाला आपका चैप्टर होगा रेफरेंसेस के नेम से, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है कि जो आपने जितने भी इंट्रोडक्शन में लिटरेचर रिव्यू में रेफरेंस ऐड किए होंगे ना, एंड पर वो कंप्लीट रेफरेंस लिखा होगा। कंप्लीट रेफरेंस मीन कि जिसके ऊपर आपने देखा होगा कि जिसमें आपने एट ऑल करके जहाँ से देखा है ना, ऑथर का नेम जहाँ से देखा है एट ऑल करके, वो तो आपने खुद से लिखा है ना एट ऑल, तो उसमें आपने जहाँ से ये देखा है उसमें देखा होगा पूरा नेम लिखा होगा ऑथर्स का। फॉर एग्जाम्पल मोर देन 3 या 4 थे ऑथर्स नेम, तो वो चारों नेम आगे उनके आगे वो भी लिखा होता है कि उनका टॉपिक क्या था, ठीक है, फैक्टर्स वगैरह से नेम लिखा होगा, वो पूरा आपने वो पूरी लाइन कॉपी करके बस ये कि अपनी फाइल में ऐड करते जाए। रेफरेंस वाला लिखा हुआ है ना कहीं पर जहाँ से आप लोगों ने एट ऑल देख के लिखा है, वो पूरा साथ साथ कॉपी करते जाएं, कॉपी करके अपनी फाइल में डालते जाएं। अलग फाइल बना लें एक वर्ड की एक अलग फाइल बनाएं जिसका नाम रेफरेंस लिखे हैं, रेफरेंसेस चैप्टर लिखते और उसके अंदर ये सारे रेफरेंस ऐड करते जाएं। बस डिफरेंस ये है कि आपने इंट्रोडक्शन में एक ही ऑथर को 2-3 पैराग्राफ में लिख दिया है, ठीक है, उसके डिफरेंट पैराग्राफ्स में एक ही ऑथर का नेम आया हुआ है, जब एंड पर आपने पूरा लिखना है तो तब आपने वो एक ही बार रेफरेंस लिखना है, 2-3 बार नहीं लिखना कि इस पैराग्राफ में भी इसको डिस्कस किया था, इस 2 में किया था इसलिए इसका नाम 2 बार आएगा, नहीं, एंड पर हमने एक ही बार लिखना है, ठीक है। उसे कॉपी पेस्ट करके आज रेफरेंस पर काम कर लो आप। And the individual abilities are the best for the advanced individual knowledge, which is the most powerful. That is the best voice with the talent and the best language.
We got students so that the passage of time and the question that's been day by day. So we can like the overall meaning of the characters because they discovered our compromise. So this is Canada, this is Indonesia. Next, we know is the great stage. This stage can put in my doctor and the energy solution and the energy solution and the energy solution. So it's the 7 stages that the master has energy. How to do from a pre-clinical diagnosis, or when you have a physical weekend, then you are able to respond on stage 4. And the next is making my cognitive decline, that my cognitive decline when I am stage 2, which are available. And around stage 3, you can see my cognitive decline. Whether you have very mild or 3 have mild cognitive decline. And these stages you have what you have to do with your cognitive decline. And stage 4, you have a moderate cognitive decline. So at the end, we see the role of the anxiety. So we have a high motivation in the anxiety of the so they can also write to the best as a nation, and they can and how emotions impact the relationship and how we can manage to get up the application or elements you have or update what Facebook or have for Jan and how we can manage this combined thank you.
हेलो क्लास आप लोग सुन रहे हो, अपनी अटेंडेंस लगवा लें। हेलो और सिमरन, मैंने आपका इंट्रोडक्शन पढ़ ली है। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन सही है तो आप जो है लिटरेचर रिव्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। क्लास अपनी अटेंडेंस लगवा लें, वैसे मैंने साथ साथ लगाई तो है, फिर भी अगर कोई स्किप ना हो जाए।
ओके क्लास, मैंने मार्क कर ली आप लोग के अटेंडेंस. कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ रहे हैं, अदरवाइज अल्लाह हाफिज. क्लास और भी स्टूडेंट रहता है जिसने अभी तक अटेंडेंस नहीं अपनी मार्क करवाई तो करवा ले, अपने प्रेजेंट लिख के सेंड करें. हाजरा, आमना, रूप, मिशाल, आप लोगों के अलावा भी कोई है तो वो सेंड करें. Thank you.